केदार बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। घंटाघर और इसे ना राजा बिरला टावर भी कहते हैं। देखनी है तो आपको ना बेस्ट व्यू कौन सा रहेगा? गंगा मैया, भागीरथी जी और जब आया हूँ ना यार, यहाँ पे मुझे बहुत गंदगी दिखती है। टाइम पे आप आरती ज्वाइन कर सकते हैं, कितने मिनट के लिए होती है, कितने बजे होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जो कि मैं हरिद्वार के बारे में आपको बताने वाला हूं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है हर की पौड़ी और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा हरिद्वार के बारे में बताने वाला हूं। पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे यहां का जो हर की पौड़ी है, यहां पे क्या क्या चीज़ें हैं, कितने बजे आरती होती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। चलिए चलते हैं हर की पौड़ी। ये है मेन एंट्रेंस हर की पौड़ी जाने के लिए, ये है गंगा द्वार हर की पौड़ी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। देखिए यहाँ पे श्री गंगा मंदिर, तो स्टार्टिंग में ही ना काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें ये देखिए ये है गंगा मंदिर, सामने गंगा मैया की प्यारी सी मूर्ति बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई है प्राचीन बद्री नारायण और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। मेन द्वार के ही जस्ट राइट हैंड साइड पे महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, ये देखिए यहाँ पे है महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति और उनके जस्ट बगल में है हनुमान जी और भैरव बाबा। उसके बाद यहाँ पे आपको महाकाली माता के दर्शन करने को मिलेंगे और यहाँ पे हैं केदार बाबा के दर्शन करने को मिलेंगे। प्राचीन बद्री नारायण जी का मंदिर है, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप पूजा कराना चाहते हैं या फिर ये देखिए ऐसे आप गंगा में पुष्प देना चाहते हैं, बहाना चाहते हैं। तो ये वह स्थान है, देखिए ये है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक हर की पौड़ी और यहीं पे ही ना गंगा आरती भी होती है सुबह 6 बजे। 6 बजे से लेके 6:06 तक गंगा आरती चलती है, टोटल 6 मिनट की गंगा आरती चलती है। और यही ये देखो एक पंडित जी यहाँ यहाँ और वहाँ कोने तक पंडित जी रहते हैं, यहीं पर ही वो दीप चलता है। तो अगर आपको कोई भी पूजा करवानी है तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऐसे पंडित जी बैठे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लाइन से पंडित जी बैठे हुए हैं, तो आप किसी से भी यहाँ पे पूजा करवा सकते हैं। ये होता है पुष्पदान, आप पुष्पदान भी कर सकते हैं। पुष्पदान किया जाता है फैमिली की शांति के लिए। तो अभी हम आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और आगे आगे चल के आपको बताते रहेंगे। ये देखिए ये है घंटाघर और इसे ना राजा बिरला टावर भी कहते हैं। तो ये आपको कहाँ पे दिख जाएगा, ये जस्ट आपको हर की पौड़ी के एकदम सामने। तो ऐसा नहीं है आप यहाँ से सामने से आ जाएं, आपको ना ये वहाँ जाके ब्रिज क्रॉस करके फिर यहाँ आना और उसके बाद यहाँ पे आप इस क्लॉक टावर के मतलब देख पाओगे इस क्लॉक टावर को। और जस्ट इसके ही बैक साइड में
ये है पूरा, आप यहाँ पे स्नान कर सकते हो। और ये वाला एरिया ज़्यादा सही है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब रश कम है, तो आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। और यहाँ से दिखता है देखिए वो धनुष वाला ब्रिज। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना अगर आरती देखनी है तो आपको ना बेस्ट व्यू कौन सा रहेगा। तो भाई जैसे आप ब्रिज से नीचे आएंगे, नीचे आते ही आप ना स्टार्टिंग में यहीं पे बैठ जाना और टाइम से आ जाना। टाइमिंग मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। आप ना यहाँ पे ये वाली लोकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी, जितनी जल्दी आप टाइम से आ जाएंगे। और एकदम सामने ये ना यहाँ पे होती है आरती, तो यहाँ से फ्रंट व्यू बहुत प्यारा दिखता है। हर की पौड़ी के पास में ना ये है प्राचीन श्री गंगा जी का मंदिर ब्रह्मकुट, हर की पौड़ी के पास में। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आप गंगा भागीरथी जी के दर्शन भी कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी के दर्शन भी कर सकते हैं, राम सीता हनुमान जी सबके दर्शन कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो आप यहाँ पे आप सबसे पीछे देख रहे हैं वो है गंगा मैया भागीरथी जी और राम सीता लक्ष्मण और राधा जी किशन जी और वो बैठे हैं हनुमान जी। यहाँ पे आप काफ़ी सारी पूजा करवा सकते हैं, यहाँ पे आप मुंडन भी करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, गायदान करा सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे पूजा होती है। देखिए यहाँ पे ना इस टाइप से पंडित जी बैठे रहते हैं, तो आप इनके पास आइए, आपको जो भी पूजा करवानी है आप करवाइए। देखिए यहाँ पे गायदान हो रहा है, वहाँ पे हवन हो रहा है। हर की पौड़ी से ना एकदम सामने मनसा देवी टेंपल भी दिखता है, तो आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं और चंडी देवी टेंपल भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप टाइम से यहां पे पहुंच जाना जिससे कि आप आरती देख पाओ। आरती का जो टाइम है वो है 6 बजे और 6 मिनट की टोटल आरती चलती है। और एक ना यहाँ पे प्यारा सा सनराइज़ का व्यू आता है, तो आप उसको भी देख पाओगे। और वो ना आरती के मतलब आधे घंटे के बाद आपको दिख जाएगा, बहुत प्यारा सा व्यू रहता है। बाकी यार यहाँ के ना कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं काफ़ी बार आता भी हूँ, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर हरिद्वार में। जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी गंदगी दिखती है। अभी भी मैं देखो पीछे देखो पूरा मतलब जल रहा है। यही सेम चीज़ अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में हो जाना, आप भी आ जाएंगे चालान काटने के लिए। बट ठीक है, ये चीज़ें करना ज़रूरी है, बट कहीं पे भी आप देखोगे ना सारी मतलब गंदगी गंदगी है यहाँ पे। और इवन जो चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है ना यहाँ पे, वो बहुत बेकार है। इससे बेटर ना अगर हम गुरुद्वारे में जाएँ, तो गुरुद्वारे में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। पिछले 8-10 सालों से ना मैं यही यहाँ पर व्यवस्था देख रहा हूँ कि यार मतलब कोई साफ़ सफाई नहीं होती है। बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत थोड़ा सा, बट हाँ गंगा तो साफ़ हो गई है, बट जो उसका आगे मतलब साइड का एरिया ना, वो साफ़ नहीं है यार, वो गंदा ही रहता है। पंडित लोग इतना ठगते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठगते हैं, मतलब कोई वो नहीं है। आप पूजा कराओ, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना पूजा, जिस मतलब से आ रहे हो उस मतलब से, मतलब कोई भी आपको किसी भी चीज़ से ना ठग लेगा। बस यहाँ पे खाना देख लो आप, खाना भी यहाँ पे महंगा है। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँगा यार कि गंदगी भी है, खाना भी महंगा है, महंगाई बहुत है भाई यहाँ पे। तो आइए आप यहाँ पे दर्शन करिए और अपना स्नान करिए, बस यही है। और यही सारा इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।